हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद गिल में। एक्चुअली नो, वेलकम टू यूके। दिन हो गए हैं मे बी मेरे को यहाँ पे, और मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो बहुत सारे कल्चरल शॉक है जो मैंने एक्सपीरियंस किए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो सबको पता है यहाँ पे वाटर जेट नहीं होता, बट छोड़ो, मजा नहीं आ रहा है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड मेरे साथ ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट, आई वॉज सर्चिंग फॉर द लाइब्रेरी कॉलेज में, तो लिटरली प्रोफेसर ने मेरे को लाइब्रेरी तक छोड़ा। तो यहाँ के लोग बहुत 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 अच्छे हैं। ऑल्सो आई वॉज सुपर सुपर एक्साइटेड यहाँ पे आने के लिए और मेरे पासपोर्ट पे वो स्टैम्प मिलने के लिए। मतलब लोग कितने क्रेजी होते हैं स्टैम्प के लिए, तो मेरा पहला स्टैम्प यूके का होगा, तो उसके लिए तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। एंड मैं यहाँ पे मास्टर्स करने आई हूँ। लेटर ऑन मैं सब बताऊँगी कि मैं किस में मास्टर्स कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, एंड यहाँ पे कैसे आना है, ये सब मैंने कैसे किया वो भी मैं अपनी यूट्यूब वीडियोज़ पर बताऊँगी। स्टार्टिंग में मैं आई थी और सेटल नहीं थी, मैंने चीज़ें नहीं ली थी, तो लिटरली मैं गुरुद्वारे में जाती थी लंगर के लिए, माथा टेकने के लिए। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ इंडियन कल्चर कि वो इतना अच्छे से स्प्रेड हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे इंडियन से ज़्यादा गोरे लोग बैठ के लंगर खाते थे। एंड लाइक मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि गुरु नानक देव जी की टीचिंग इतनी अच्छे से बाहर फैल रही है, मतलब वर्ल्ड वाइड अच्छे से इंडियन कल्चर फैल रहा है। ऑल्सो यह गुरुद्वारा में उन लोग स्टूडेंट्स की बहुत मदद करते हैं, उन लोग लाइक ब्लैंकेट प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, एंड एनी हेल्प जो भी हेल्प चाहिए वो देते हैं। आपको बस वहाँ जाके बोलना है, तो मेरे लिए वो भी थोड़ा आसान था क्योंकि मेरे को गुरुद्वारे से बहुत 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 ज़्यादा हेल्प मिली। एंड लाइक लिटरली आई वाज स्ट्रगलिंग इन इनिशियल डेज, बट बिकॉज ऑफ देम मेरा बहुत सारा पैसा बच गया। उन्होंने मेरी बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ों में हेल्प की। लीविंग माई हाउस वॉज सच अ रोलर कोस्टर राइड। मेरे को लग रहा था पता नहीं कैसे करूँगी, बट समहाउ मैंने 10 दिन मैनेज कर लिया, मैं कर रही हूँ। और होने के बाद में ना बहुत प्राउड भी फील होता है कि अरे ये तो मैं घर पे रहती थी तो मैं तो मम्मी को बोलती थी ये कर दे वो कर दे, बट यहाँ मैं खुद से करती हूँ, तो बाद में अच्छा भी लगता है कि हाँ मैंने खुद से कर लिया। लाइक इट वॉज सो मच इमोशनल टू लीव माई हाउस एंड कम हियर एंड स्टार्ट माई करियर फ्रॉम स्क्रैच, ऐसा मैंने बहुत सुना है, वही लाइन में यूज़ कर रही हूँ। बट सीरियसली मेरे को बहुत 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 इमोशनल था, एंड मेरे को होम सिक भी बहुत हो रहा है, बट समहाउ आई मैनेज, क्योंकि यहाँ पे बहुत फ्रेंड्स भी बन गए यूनिवर्सिटी में, बट स्टिल वो बात नहीं बनती, फैमिली फैमिली होती है। एंड यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है कि आप स्ट्रीट में जा रहे हो तो 10 में से 2 लोग इंडियन होते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे इंडियन हैं, एंड तो अच्छा लगता है जब भी आप किसी इंडियन को देखते हो। एंड उतना भी टफ नहीं है, आप कर सकते हो। और मेरे को अभी पार्ट टाइम जॉब भी ढूंढना है यहाँ सर्वाइव करने के लिए, अपना खर्चा उठाने के लिए। तो मेरा जो BRP है वो आया नहीं है क्योंकि उसका कुछ तो इशू हो गया है,
मैंने ACL कोड बराबर डाला था बट वो अप्लाई नहीं हुआ, तो मेरा जो BRP है वो बहुत दूर के पोस्ट ऑफिस चला गया है, तो मैंने चेंज करवाया है। तो जब तक BRP आता नहीं है मैं काम भी नहीं कर सकती पार्ट टाइम, तो मुझे BRP के लिए वेट करना पड़ेगा। तो BRP जो होता है वो एक परमिशन होती है यहाँ पे स्टडी के लिए, वर्क के लिए आपको एक NIA नंबर मिलता है, वो मिलने के बाद ही आप यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। तो आई एम ईगरली वेटिंग फॉर माय BRP, क्योंकि मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग है, मेरा बैंक का अकाउंट भी नहीं बना है और मेरे को परमिशन भी नहीं है काम करने की जब तक मेरे को BRP नहीं मिलता है। ऑल्सो इट्स बिन वाइल दैट आई हैव पोस्टेड एनीथिंग ऑन माई यूट्यूब चैनल, क्योंकि मैं लास्ट मंथ पूरा ट्रैवलिंग कर रही थी और मैं बहुत बिजी भी थी UK प्रोसेस में। तो आई होप कि मेरे बहुत अच्छे अच्छे ट्रैवलिंग वीडियो आएंगे जल्दी। Thank you.